हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में WCC 3 की न्यू अपडेट के बारे में बात होने वाली है। और गाइस, ये न्यू अपडेट में आप लोगों को कौन कौन सी फीचर देखने को मिलेंगे ये भी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, WCC 3 की न्यू अपडेट के बारे में बात करें तो आप लोगों को उनकी तरफ से अपडेट अभी तो देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है इनकी तरफ से जो अपडेट अभी आई है और गाइस वो ज़्यादा खास अपडेट नहीं थी, बग फिक्स अपडेट मात्र थी। तो गाइस उसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा खेलने को नहीं मिला था। तो गाइस आने वाली अपडेट आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और मेगा अपडेट हो सकती है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है रियल क्रिकेट 20 ने जो इतनी बड़ी मेगा अपडेट दी है उससे WCC 3 को बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो गाइस अब WCC 3 भी अपने गेम को बेस्ट बनाने के लिए और भी बहुत बहुत न्यू फीचर ऐड करने वाली है। गाइस जो आने वाली अपडेट होगी बहुत ज़्यादा धमाकेदार और मेगा अपडेट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो गाइस इस मेगा अपडेट में क्या-क्या फीचर ऐड्स हो सकते हैं ये आप लोगों को मैं बता दूं। तो गाइस ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म फीचर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि गाइस जो-जो ऐड हो सकते हैं मैं आप लोगों को इसमें बता दे रहा हूं। कंफर्म इसलिए नहीं गाइस बता सकता क्योंकि गाइस ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फीचर ऐड करती है कि नहीं, ये गाइस मेरे ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कौन-कौन से फीचर देखने को मिलने वाले। तो गाइस सबसे पहला फीचर जो मिलने वाला आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को मैच अलर्ट का फीचर देखने को मिले, क्योंकि गाइस अब पूरा साल होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, अब न्यू ईयर में आप लोगों को कम से कम एक नया मेगा अपडेट देखने को मिलना चाहिए। और उसके बाद गाइस उसके बाद में बहुत से इंप्रूवमेंट भी होने चाहिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लैग कर रहा है इनका बहुत ज्यादा गेम और बहुत ज्यादा बग्स भी इसमें आ चुके हैं। और गाइस सबसे जो अहम फीचर है वो है आप लोगों को विन कमेंट्री का और चैलेंज ऑफ फ्रेंड, जो कि गाइस अभी तक आप लोगों को खेलने को नहीं मिला है, क्योंकि गाइस विन कमेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और आप लोगों को पता है कि रियल क्रिकेट 20 ने भी इसे फ्री कर दिया है। तो गाइस अब इन लोग को विन कमेंट्री दे देनी चाहिए और गाइस बहुत समय हो गया है विन क्रिकेट को भी आए हुए, तो गाइस अब इनको अपडेट में नेक्स्ट अपडेट में देनी चाहिए। और गाइस चैलेंज ऑफ फ्रेंड को भी ओपन कर देना चाहिए। और गाइस मल्टीप्लेयर में और भी बहुत से चेंजेस आने चाहिए, जैसे कि गाइस 2v2 प्लेयर जो आप लोगों को रियल गेम 20 में दिखता वो भी इसमें भी होना चाहिए। और गाइस बहुत सी चीजें भी इसमें ऐड होनी बाकी हैं। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट में इतना सब ऐड नहीं हो सकता है, पर हाँ जो मैंने आपको बताया मैच हाइलाइट का फीचर, चैलेंज ऑफ फ्रेंड और खासकर वुमन कमेंट्री, ये सब तो ऐड होने ही चाहिए। और गाइस बग भी इसमें फिक्स कर देने चाहिए, गाइस बहुत ज्यादा बग्स आ चुके हैं, मैंने खेला है तो उसमें बहुत ज्यादा बग्स लगते हैं मुझे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ये अपडेट आप लोगों को अब तक देखने को मिल सकता है। तो गाइस अपडेट की अगर बात करी जाए तो जनवरी में आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, और गाइस जनवरी के 1 जनवरी को आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और गाइस अगर न्यू ईयर पर आप लोगों को अपडेट देखने को नहीं मिला तो गाइस 2nd वीक में जनवरी के कंफर्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो गाइस मिलता हूं आप लोगों को बहुत जल्दी नए वीडियो में। तब जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मगी, जय हो, बाय बाय।